नमस्कार दोस्तों, अमित टेक फंड में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि जब हम लोग कभी कभी ट्रेन टिकट बुक करते हैं तो ऐसा होता है कि हमको टिकट बुक करनी है, लेकिन जब हम देखते हैं तो उसमें 1, 2, 4, 5 सीट ऐसे दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि टिकट बुक हो जाती है, इसके बाद भी 1-2 सीट अवेलेबल दिखाया करता। तो दोस्तों, इस प्रकार की अगर स्थिति दिखे तो आपको किस प्रकार से जो है टिकट बुक करना, ताकि आपकी टिकट जो है वेटिंग ना बुक हो। तो दोस्तों, मैंने अपना IRCTC रेल कनेक्ट ऐप को खोल रखा और आपको यहाँ लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। चलिए मैं क्लिक करके दिखाता हूँ। अब दोस्तों जो है आपको अपना यहाँ पे पिन डाल लेना है, ये वाला कैप्चा कोड उठा के यहाँ भर देना है, लॉगिन पे क्लिक करना है। चलिए मैं लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा IRCTC रेल कनेक्ट ऐप लॉगिन हो चुका है। यहाँ ट्रेन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, इसके बाद आपको जो है यहाँ पे बुक टिकट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब दोस्तों, जैसे कि मुझे जो है जाना है नई दिल्ली से देहरादून के लिए, तो चलिए मैं बुक देखता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मान के चलिए 15 अगस्त की टिकट जो है हमको बुक करनी है, लेकिन यहाँ पे जो है 128 दिखा रहा है। तो दोस्तों, इस जगह पे अगर 128 है तो हम बुक करेंगे तो वो तो 100% कन्फर्म ही मिलेगी, लेकिन इस जगह पे अगर हमको जो है टिकट की संख्या 2, 4, 5, 6 दिखती तो हमको किस प्रकार से टिकट बुक करनी, ताकि हमारी टिकट जो है किसी भी कीमत में वेटिंग में ना जाए। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है चलिए मैं क्लिक करता हूँ, गेट पैसेंजर डिटेल IAGREE पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे दोस्तों मुझे अपना नाम डाल देना है, चलिए मैं कोई भी नाम डाल देता हूँ। यहाँ पे एज डाल देनी है, जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। अब दोस्तों आपको ऐड पैसेंजर पे क्लिक करना है। दोस्तों, अब मेन बात आती है यहाँ पे, अगर दोस्तों आपने जो है टिकट बुक कर रहे हैं, सीटों की संख्या कम है, तो आपको जो है ये जो ऑप्शन दिख रहा है बुक ओनली इफ कंफर्म बर्थ आर अलॉटेड, ये वाला, तो दोस्तों आपको जो है इस पे जरूर से जरूर टिक करना है। तो दोस्तों, इसमें अगर आप टिक कर देंगे, बाय चांस आप टिकट बुक कर रहे हैं उतने टाइम ही टिकट बुक हो जाए, तो अगर आपकी टिकट जो है वेटिंग में नहीं जाएगी, आपकी टिकट बुक ही नहीं होगी, तो जो है आपकी टिकट का ट्रांजेक्शन वगैरह फेल हो जाएगा, आपकी टिकट बुक नहीं होगी। ऐसे बाई चांस अगर आप बुक कर रहे हैं, आपकी टिकट वेटिंग में चली गई, तो फिर दिक्कत होगी। तो दोस्तों, इसके बाद नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करिए, आपको जहां से भी पेमेंट करना है, गूगल पे, फोन पे या फिर डेबिट कार्ड वगैरह से करना, तो आप इसी पे रहने दें। अगर आपको जो है UPI के माध्यम से पेमेंट करना है, तो आप यहां पे क्लिक करें, रिव्यू जर्नी डिटेल राइट साइड कोने में लिखा हो, आप यहां पे क्लिक करें। अब दोस्तों जो है ये वाला कैप्चा कोड उठा के यहाँ पे डाल देना है, चलिए मैं डाल देता हूँ। अब दोस्तों, यहाँ आपके सामने है सिलेक्ट पेमेंट मेथड, यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शन है, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग वगैरह के ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आपको भीम UPI से पेमेंट करना है तो आप इस पे क्लिक करें। तो दोस्तों, मैं आपको भीम UPI से पेमेंट करके करने के लिए बताऊंगा। इसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करें, नीचे राइट साइड में लिखा है 236.08 पे क्लिक करें। अब दोस्तों, अगर आपको जो है UPI ID डालनी है, तो आप अपनी गूगल पे, फोन पे या फिर जो है पेटीएम, जिसकी UPI ID डालनी है डाल दें, सबमिट कर दें। आपके उस UPI ID, आप जिसके भी UPI ID डालेंगे, वहाँ एक रिक्वेस्ट चली जाएगी, पिन डाल देंगे, आपकी टिकट बुक हो जाएगी। और यहाँ पे जो है अगर आपको पेटीएम से करना, तो आप अपने मोबाइल नंबर डाल कर प्रोसीड पे क्लिक करें, आपके नंबर पर OTP जाएगी, OTP डाल दें, आपकी टिकट बुक हो जाएगी। दोस्तों, जिस प्रकार से जनरल टिकट बुक करते हैं, उसी प्रकार से ये भी बुक होगी। तो दोस्तों, अगर आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो हमसे कमेंट करके पूछिए, मैं इसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।